नमस्कार दोस्तों, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिंदू धर्म में पंचांग और ग्रह नक्षत्रों को मानने वाले लोग राशिफल के बारे में भी जानने के लिए बहुत ही अधिक उत्सुक रहते हैं। वही राशिफल के माध्यम से आप स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम, समृद्धि, परिवार, नौकरी से जुड़ी जानकारी आपको मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कल यानी बुधवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि अगर शादी में दिक्कतें आ रही है, किसी को पसंद करते हैं आप लेकिन आपके शादी उनसे नहीं हो पा रही है, तो आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिसके आपकी शादी में आ रही सारी बाधाएं खत्म हो जाएगी और आप भी दूसरों की तरह अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ शादी कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? लड़का या लड़की जिसकी भी विवाह में देरी हो रही है, उसे शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और माता पार्वती के साथ शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि किसी लड़की की शादी में बाधाएं आ रही है तो उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान विष्णु के तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप उस पात्र को लेकर खुले आसमान में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरे और पात्र को वापस भगवान के सामने रख दें। मान्यता है कि एक महीने तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत हो जाते हैं। कहा जाता है कि विवाह योग्य लड़कियों को पीले रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनना चाहिए। इसके अलावा काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। शादी योग्य लड़के हर मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। 21 मंगलवार तक पूजा करने से शादी की राह में आ रही मुश्किलें हट जाएगी। विवाह योग्य लड़के लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए कि उसका कमरा घर के दक्षिण पश्चिमी दिशा में ना हो। ऐसा करना उनकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट डालता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में पैर करके सोना भी शादी में देरी कराता है, इसलिए सोते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। ये हो गए शादी में आ रही दिक्कतों से निकले उपाय और अब बात करते हैं राशिफल के बारे में और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए पौष्टिक आहार का ही सेवन करें और रात में सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध अवश्य पीकर सोएं। चलिए अब आपको आपका शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग ग्रे है और शुभ अंक 2 है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सुबह मजेदार रहेगी और शाम को आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। और अब राशिफल के बाद आपको बता दें आपका शुभ रंग और अंक क्या है। तो आपका शुभ रंग भूरा है और शुभ अंक 8 है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। आज आप जो भी करने के सोचेंगे उसका परिणाम अच्छा ही रहेगा, सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग नीला है और शुभ अंक 4 है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन के बाद कर्क राशि की। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और साथ ही कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अपने करियर की चिंता रहेगी। ऐसे में उन्हें किसी सीनियर के द्वारा मार्गदर्शन की आस रहेगी। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग ग्रे है और शुभ अंक 2 है। बोलते तारे में अब बात होगी सिंह राशि की। आज के दिन अपने जीवन साथी के प्रति आपका लगाव और बढ़ेगा और आप उसके लिए कुछ स्पेशल करने का भी प्रयास करेंगे, जिससे दोनों के बीच प्रेम में बढ़ोतरी होगी। और सिंह राशि वाले के लिए शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग बैगनी है और शुभ अंक 8 है। शुभ रंग और अंक के बाद बात करते हैं कन्या राशि की। यदि आप किसी समस्या का हल कुछ दिनों से ढूंढ रहे हैं तो उसका हल आज के दिन मिल जाएगा और आप प्रसन्न भी होंगे, मन अपेक्षाकृत शांत रहेगा। राशिफल के बाद शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग भूरा है और शुभ अंक 4 है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। परिवार में सभी का साथ मिलकर आज का दिन व्यतीत करेंगे और मन में जो कड़वाहट है वो भी दूर होगी। सभी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और एक दूसरे को जानने का अवसर मिलेगा। और अब शुभ रंग और अंक आपको बता दें। शुभ रंग आपका लाल है और शुभ अंक 1 है। शुभ रंग और अंक के बाद अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आपकी कुंडली में धन वृद्धि के संकेत है, इसलिए चारों ओर नजर बनाए रखें और किसी अच्छे अवसर को हाथ से न जाने दें। आपका शुभ रंग स्लेट और आपका शुभ अंक 9 है। और अब बात करते हैं धनु राशि की।
जो छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई अन्य कोर्स कर रहे हैं उन्हें आज के दिन इसका लाभ अवश्य मिलेगा, इसलिए पूरे ध्यान अपने करियर और पढ़ाई पर लगाएं। और आपका शुभ रंग और अंक बता देती हूँ, आपका शुभ रंग सफेद है और अंक 7 है। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। आज के दिन आपके साथ कुछ उल्टा घटित हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। किसी से बातचीत करते समय अपने शब्द का चुनाव सही तरीके से करें। और अब आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग आसमानी है और शुभ अंक 5 है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। यदि आप अकेले हैं और एक अच्छे जीवन साथी की खोज में हैं, तो आज आपके लिए कहीं से एक अच्छा प्रस्ताव आ सकता है या आपको अप्रत्यक्ष रूप से किसी के द्वारा अप्रोच भी किया जा सकता है। चलिए आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग मैरून है और शुभ अंक 4 है। कुंभ के बाद अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। जो काम आपको आसान लग रहा था उससे कुछ रुकावट आ सकती है, इसलिए इसके विचलित होने के बजाय इस रुकावट को चुनौती की तरह ले और उसका सामना करें। आपका शुभ रंग काला है और शुभ अंक 1 है। तो आज हमने आपको राशिफल के साथ साथ शुभ रंग और शुभ अंक बताया, साथ ही शादी में देरी हो रही है तो क्या कुछ उपाय आपको करना चाहिए ये भी आपको बताया। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।